इंदौर पुलिस ने फरार माफिया 1 लाख के इनामी आरोपी जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को गुजरात में धर दबोचा है। महेंद्र सोनी पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था। कई महीनों से फरार महेंद्र सोनी गुजरात के अमरेली में पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मुख्य आरोपी जीतू सोनी अब भी फरार चल रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ASP राजेश दंडोतिया ने बताया कि महेंद्र सोनी और उसका भाई जीतू सोनी दोनों ही कई महीनों से फरार चल रहे थे। पुलिस को जीतू सोनी की भी जानकारी मिल गई थी। वह मुंबई के एक पॉश इलाके में छुपा हुआ था। भाई महेंद्र की गिरफ्तारी की भनक लगते ही जीतू उस जगह से भाग गया और टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं महेंद्र सोनी को गुजरात के अमरेली से गिरफ्तार किया है। महेंद्र सोनी पर उज्जैन के पलासे थाने के FIR दर्ज है। इंदौर महेंद्र सोनी माय होम में जीतू सोनी के साथ डायरेक्टर था। इसके बाद पुलिस ने महेंद्र सोनी को भी आरोपी बनाया था। फिलहाल जीतू सोनी की तलाश में इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार जगह जगह छापेमार कार्यवाही कर रही। राजेश दंडोतिया के मुताबिक जीतू सोनी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। डाली गई थी तो घर पर ही मिले थे, सोते हुए मिले थे इनको, सोते हुए इनको हिरासत में ले लिया गया था। ये अमरेली में, ये जो डिस्ट्रिक्ट अमरेली है गुजरात में, वहाँ पर ये कार्रवाई हुई थी। और ये राजकोट में दूसरी कार्रवाई हुई थी। राजकोट में जहाँ जहाँ जो संभावित स्थान थे मुखबिर द्वारा बताए गए थे, वहाँ पर कार्रवाई की गई थी। संभवतः उनको चूँकि पता चल गया, किसी कारण से पता चल गया, तो इस वजह से वो लोग वहाँ से वहाँ मिले नहीं। उनके परिवार के और भी सदस्यों के खिलाफ वो भी रीजन और भी थे क्या? कुल मिलाकर जो अभी फिलहाल उनके जो परिवार में वो 6 लोग वांटेड थे इनको पकड़े जाने से पहले। जीतू सोनी, हुकुम सोनी, महेंद्र सोनी, लक्की, विक्की और जिग्नेश, ये 3 लोग फरार थे। तो उनमें से एक महेंद्र सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये चूँकि इनका ये थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इनका, और ये इनको अमरेली में इसलिए 800 किलोमीटर दूर यहाँ से, इंदौर से 800 किलोमीटर दूर एक गांव में रखा गया था, जिससे कहीं भी किसी प्रकार की कहीं किसी को भनक ना लग पाए। लेकिन चूँकि हम लोग लगातार काम कर रहे थे और ऐसा पता चला है कि जो इनके द्वारा बताया गया है कि जीतू सोनी ने अभी अपनी जो फरारी के दौरान जितनी उनको सूचना है महेंद्र सोनी को, वो कहीं नेपाल में भी उनके द्वारा फरारी काटी गई है, और इसके अलावा गुजरात के कई स्थानों पर उनके द्वारा फरारी काटी गई है। तो इन सब पर क्राइम ब्रांच काम कर रही है, और इसमें जो भी जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें इंदौर के भी कुछ लोग हैं और गुजरात में भी जो लोग इनको शेल्टर दे रहे हैं, जिस फार्म हाउस पर ये लोग रुके थे, जो जीतू सोनी और जो अन्य फरार आरोपी जो लोग रुके हैं, वो उनके बारे में ही पता लगाया जा रहा है। जो लोग इनको अगर सपोर्ट करेंगे तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये कल रात में एक जो पुराना फरार आरोपी, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये घटना 1 दिसंबर की थी, जो माय होम का जो डायरेक्टर है, जो माय होम का डायरेक्टर है, जो थाना प्लासिया के अंतर्गत एक FIR कायम हुई थी, तो उसमें इनका नाम आया था महेंद्र सोनी का और जीतू सोनी का और हुकुम सोनी का। तो इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई थी। उस आधार पर डॉक्यूमेंट्स पे ये तीनों ही डायरेक्टर थे माय होम के, तो उस पर 370 का मामला पंजीबद्ध किया गया था और अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया था। तो इसमें लगातार उसी समय से ये लोग फरार चल रहे थे, लगभग 6 महीने से, और इन पर इनाम भी था। तो इसके बाद एक मुकदमा दिसंबर में कायम हुआ, उसके बाद एक मुकदमा जनवरी में कायम हुआ था। बोरीवली के एक आवेदक के द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई थी कि इनसे कुछ लेन देन का मामला था, पैसे का, 51 लाख का गोल्ड हुकुम सोनी से लिया था, तो फिर को दिया था, तो उसके बदले में जब पैसा न लेने पर, तो इनके द्वारा एक प्लॉट की, एक जो फ्लैट था उसकी रजिस्ट्री के लिए कराई गई थी, लेकिन वो उसका कब्जा नहीं दिया गया था। तो इस तरह से 2 मामले पंजीबद्ध थे, अन्य मामले अभी विवेचना में चल रहे हैं। तो इस आधार पर सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच को, क्योंकि लगातार 4 महीने से इस पर काम चल रहा था। ये जीतू सोनी, हुकुम सोनी, महेंद्र सोनी, जिग्नेश, लक्की और विक्की, 6 लोग घटना दिनांक से ही फरार हैं। तो लगातार इस पर क्राइम ब्रांच काम कर रही थी। तो कल 6 टीमें बनाकर राजकोट और अमरेली में दबिश दी गई थी 2 स्थानों पर, राजकोट जिला और अमरेली जिला। तो अमरेली जिला में जो गांव है, वहां पर जब दबिश दी गई थी बताई हुए स्थान पर, तो वहां पर महेंद्र सोनी मिला। तो महेंद्र सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसको फिर देर रात तक यहां इंदौर लाया गया। और दूसरा जो ठिकाना था जहाँ पर, राजकोट में, तो एक फॉर्म हाउस था, वहाँ पर भी रेड डाली गई थी टीम में। वहाँ पर भी 3 जगह रेड डाली थी और लगता है उनको सूचना मिल गई थी। तो वहाँ से एक फॉर्म हाउस से जीतू सोनी, जिग्नेश और विक्की, ये 3 लोग वहाँ से, ऐसा जो बताया गया कि 3 लोग वहाँ से फरार हो गए सूचना मिलने पर। लगातार पुलिस की टीम अभी भी वहाँ गुजरात में है और लगातार कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि उनको ट्रेस आउट कर लें और आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन।